हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम संध्या एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों अपने यूट्यूब के चैनल सान्विक ब्लॉग्स में। तो गाइज, आप देख सकते हो हम क्या कर रहे हैं। अभी हम प्रेस कर रहे हैं गाइज, सूट का कपड़ा है ये, हमें सूट सिलना है आज अपना। तो उस पे प्रेस कर रहे हैं, पहली कटिंग से पहले हम प्रेस कर लेते हैं तो अच्छे से कटिंग हो जाती है। और प्रेस करने के बाद गाइज यहाँ पे देख सकते हो हमने कटिंग कर ली। कटिंग का पूरा मेथड आपके साथ शेयर नहीं किया, बस जस्ट ऐसे दिखा दिया कि हाँ जो सलवार का कपड़ा था उसका हमने कुर्ती बनाई है, और जो कुर्ती का कपड़ा था उसकी हमने सलवार बनाई है, क्योंकि हमें थोड़ा सा डिफरेंट करने की आदत है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो कुर्ती का कपड़ा है प्रिंट में, इसकी हमने बहुत ही मस्त वाली एक पटियाला सलवार बनाई है गाइस, क्योंकि प्लाजो पैंट्स पहन पहन के बोर हो गए थे। तो हमने सोचा चलिए पटियाला काफ़ी टाइम से नहीं बनाई है। और हाँ गाइस, ये ट्रिक हमें आपके साथ शेयर करनी थी, क्योंकि आजकल सिलाई तो सभी करते हैं, घर में मशीन होती है। तो देखिए अगर हम इस तरह से ये प्लीट्स बनाते हैं ना, तो बहुत ही इक्वल बनती हैं और बहुत ही क्लीन प्लीट्स बनती हैं गाइस। हम हमेशा इसी तरह से बनाते हैं, और आप भी बनाइए, काफ़ी ईजी होता है फोक के साथ। तो दोस्तों बहुत हमने सोचा था कि हमें आज ही पर में अपना सूट सिलना है, और हमने सिल भी लिया एक ही दिन के अंदर, और काफ़ी ब्यूटीफुल है जैसा हमने चाहा था। पटियाला सलवार हमें बनानी थी, पटियाला सलवार बनाई है, और उसके साथ जो कुर्ती है उसमें हमने ये जो सलवार का कपड़ा है ना, इसकी एक छोटी सी कोटी टाइप लगाई है, देखिए आप। अभी उसका पूरी तरह से गाइस ये बनके तैयार नहीं हुई है, इसका प्रॉपर लुक आपको हम कल दिखाएंगे, इसका पूरा ट्राई ऑन करके दिखाएंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल लगने वाला है ये सूट गाइस, आई होप, बट कंफर्म नहीं है कैसा लगेगा, फिर भी चलिए कल ही देखने को मिलेगा कि कैसा लगेगा। अभी इतना कर लिया गाइस, और 7 बज गए थे 7:30 शाम के, तो हमने सोचा चलिए खाना बना लेते हैं, फिर खाना लेट हो जाएगा, बच्चे सोने लगते हैं। तो इसको हमने रखा साइड, और इसमें डोरी वगैरह लगनी है गाइस, तो वो सब हम कल ही करेंगे। और अभी देख सकते हो आप 7:30 8 का टाइम है, यहाँ पे हमने तुरई बना ली, सिंपल हरी मिर्च प्याज की तुरई बना रहे हैं गाइस, और रोटियाँ भी बना ली फटाफट से, 2-4 अंडे बना लिए नॉर्मल ऐसे ही सिंपल तरह से, क्योंकि तुरई ज़्यादा पति जी को पसंद नहीं है, इसलिए उनके लिए हमने थोड़े से अंडे बना लिए ऐसे ही हरी मिर्च डाल के। और गाइस आज हम आपसे किसी को मिलवाने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिए, और वीडियो और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर भी करिए गाइस, तो वीडियो में बने रहिए। तब तक हम भैया जी को खाना निकाल के दे देते हैं, क्योंकि समय हो चुका है 8:30 9 का गाइस, और बच्चे सोने लगते हैं बहुत ही जल्दी। तो भैया जी के लिए तो खाना निकल गया है गाइस, अब हम सब भी खा लेंगे, और आप भी आ जाइए डिनर कर लीजिए दोस्तों। हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों आज दोस्तों काफ़ी समय से आपसे एक राज है जो छिपाते चले आए हैं, नहीं बताया आपको, बहुत समय छिपा रखा था आपसे ये राज, और आज मिलवाने जा आज आपको बताने जा रहे हैं गाइस सच्चाई उसकी। तो गाइस आपको बता, सबसे पहले तो गाइस बता देते हैं आपकी जानकारी के लिए, हम 5 सदस्य नहीं हैं गाइस, ये सच्चाई है। आप सभी को अभी तक बताते चले आए कि हम 5 सदस्य हैं घर में, फैमिली मेम्बर्स 6 सदस्य हैं गाइस हम लोग, एक सदस्य और है जिसको अभी तक आप सभी छुपा के रखा था हमने। तो आज मिलवाना चाहते हैं गाइस आपसे, तो आज सोचा आपसे मिलवा दे गाइस, कब तक छुपा के रखेंगे। बहुत एडिटिंग में भी दिक्कत आती है गाइस, क्योंकि वो हर बार वीडियो में सामने आ जाता है, और उसको कट करना पड़ता है एडिटिंग के समय यार, तो दिक्कत होती है। तो सोचा आज की चलिए आपको बता ही देते हैं कि कौन है। तो गाइस सबसे पहले आपको उसका नाम आपके साथ शेयर करते हैं। तो गाइस उसका नाम है मिथिलेश, मिथिलेश आ जाओ मिथिलेश, कम ऑन मिथिलेश। तो गाइस आपसे मिलवाते हैं मिथिलेश को। मिथिलेश बेटा कम, और गाइज आप भी बोलोगे कि इतना समय से हमने मिथिलेश को छुपा के रखा। तो गाइज अब समय आ गया है आपसे मिथिलेश को मिलवाने का। मिथिलेश डोंट डू दिस बेटा, मिथिलेश बिस्किट खाना चाहते हैं गाइज, ये बिस्किट लेके मिथिलेश मिथिलेश
शैतान है गाइस, मिथिलेश बहुत शरारती है तो तो दोस्तों ये रही हमारी मिथिलेश। कैसी लगी आपको हमारी मिथिलेश? बहुत प्यारी है। हेलो बोलो बेटा, हेलो बोलो, से हेलो। बहुत क्यूट है गाइस, इसके कान देखिए कितने ही प्यारे हैं और साफ भी हैं। बहुत क्लीन तरह से रखते हैं हम लोग इसे, और इससे सर्दी लग रही है थोड़ी थोड़ी, इसलिए स्वेटर पहना दिया है हम लोगों ने। तो गाइस आपको हमारी मिथिलेश कैसी लगी प्लीज दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो गाइस आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिथिलेश ने बहुत ही धमाकेदार एंट्री मारी है। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी इसकी एंट्री, और वो हमारे पास ही रहती है ज़्यादातर, देखा होगा आपने, मतलब देख रहे होगे आप, वो हमारे पास ही रहती है, हटती नहीं है इधर से, और बहुत जानती है हम लोगों को। तो उसने स्वेटर पहना हुआ है जैसे कि आप देख सकते हो गाइस, उसे थोड़ी थोड़ी सर्दी लग रही है। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।